नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार लर्नमेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम 18 जनवरी को शिफ्ट वन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सलूशन करेंगे। हम ABACIO 2023 के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। 17 जनवरी को चार शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है जिसका सोल्यूशन ऑलरेडी उपलब्ध है, और हम बता दें कि जो सोल्यूशन है उसमें हमने डिटेल डिस्कशन किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का डिस्कशन की, और क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर वन में दिया है कि ए और बी मिलकर 54 दिन में काम कर सकते हैं, उन दोनों ने 12 दिन तक काम किया, फिर बाकी काम को ए बी सी मिलकर 28 दिन तक में कर रहे हैं। ए का बी का 6 दिन का काम एक सी के 9 दिन के काम के बराबर है, तो ए अकेले 2/3 काम कितने दिन में कर लेगा। ए और बी मिलकर करते तो 54 दिन में हो जाता, लेकिन ए और बी ने 12 दिन तक काम किया, बाकी ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन तक काम किया, 28 दिन तक। इन दोनों को अगर सिंपलीफाई करेंगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 28 12 40 दिन, और सी कितना हो गया, 28 दिन। यहाँ पे है आपका ए प्लस बी 54 दिन। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ए प्लस बी 54 में से 40 गया कितना हो जाएगा, 14, और है सी गुना 28, गया गया 2, तो ए प्लस बी बाई सी का वैल्यू आ रहा है 2/1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है कि बी जो है वह 9 दिन में जितना काम करेगा, माफ कीजिएगा 6 दिन में काम करेगा, उतना सी 9 दिन में कर लेगा। मतलब बी बाई सी का रेशियो आ रहा है 3/2 का। अगर 3/2 है, यहाँ सी का इफिशियंसी कितना है, 2 है, इधर सी का इफिशियंसी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, नहीं चलेगा, तो 4/2 कर दिया। देखिए बी का इफिशियंसी कितना है, 3 है, और ए प्लस बी का 4 है, तो ए का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 54 × 4, तो क्योंकि ए प्लस बी का एफिशिएंसी तो 4 है। अभी निकालना है कि ए 2/3 काम कितने दिन में करेगा, टाइम कितना निकालना है भैया, 54 × 4 2/3 काम करना है, 18 × 54 = 1744, तो 144 दिन में काम हो जाएगा, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि वेसल है जिसमें क्या है, एक सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, जिसका अनुपात है 5:7। एसिड एंड वाटर है 5:7, इसमें से 9 लीटर निकाल लिया गया। देखिए 9 लीटर अगर निकाल लिया गया, इसके बाद जो सॉल्यूशन बचेगा उसमें भी अभी भी 5:7 ही होगा, क्योंकि 9 लीटर आपने मिक्सचर निकाला है, 5:7 तो रहेगा ही। फिर क्या हुआ है कि इसमें एसिड ऐड किया गया है, और अभी जो है 9:7 हो गया। देखो एसिड ऐड किया है, एसिड ही भरा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एसिड ऐड किया एसिड ही भरा, वाटर नहीं भरना चाहिए था, सेम ही है, चलेगा। 4 यूनिट भरा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नहीं 9 लीटर डाला था, तो 4 का वैल्यू 9 है। पहले अगर देखेंगे निकालने के बाद 7 और 5 कितना आ रहा है, 12 यूनिट आ रहा है, तो भैया 4 यूनिट का वैल्यू 9 लीटर है, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 = 27 लीटर। लेकिन क्या सोल्यूशन शुरू में 27 लीटर था, बोलेंगे कि नहीं, ये तो 9 लीटर निकालने के बाद 27 बचा है ना, तो शुरू में कितना हो जाएगा, 27 + 9 = 36 लीटर, तो 36 लीटर था, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अभी देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 27% ऑफ नंबर एक्सीड 13% ऑफ सेम नंबर बाय 56, कोई बात है। मान लीजिए नंबर का 27% जो है वह उसी नंबर के 13% से कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है, तो 14% ऑफ नंबर का वैल्यू है 56, 100% का कितना हो जाएगा, 400, नंबर कितना है, 400, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में दिया है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 1088 है, बताना है कि डिफरेंस बिटवीन लार्जर नंबर एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना होगा। लार्जर नंबर है क्या है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4। 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, तो n इंटू एन प्लस 2 का वैल्यू 1088 हुआ है। अच्छा 1088 को अगर हम लिखने जाए 8 से तो कट जाएगा, 8 1 12 96, फिर 13 8 104, फिर 4, फिर 8 6 48, ये हो गया। अभी इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 4 से कटेगा, 4 से कितनी बार, 4 3 12 5 4 16, तो दिख रहा है 32 × 34 हो गया, बोलेंगे कि ठीक है, तो 12 नंबर 34 है, छोटा नंबर क्या हो गया, 32 हो गया। अभी क्वेश्चन में जो दिया है कि छोटे नंबर के स्क्वायर में से बड़े नंबर को माइनस कर लेना है, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
हो जाएगा आपका 1024, इसमें से 34 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 990। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। चार हो गया, बारी है 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बोल रहा है कि रेशियो ऑफ दो नंबर है 3:8, दोनों नंबर का सम है 220, तो हमें बताना है स्मॉलर नंबर का वैल्यू कितना है। क्वेश्चन नंबर क्या है 5, 3:8, सम करने पे 11 आ रहा है, 11 का वैल्यू 220 दिया, 1 का वैल्यू हो गया 20, स्मॉलर नंबर 3 है, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 5 हो गया, 6 देखेंगे। यहाँ पर लग रहा है जहाँ 17 तारीख का क्वेश्चन थोड़ा टफ टफ आया था, 18 तारीख का, उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही आसान आसान है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि भैया 174.08 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2^10 × 17। बोले कि चलो ठीक है। फिर एक नंबर दिया है 173.91, और ये बता रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा इसका डिवाइजर में, उसके डिजिट का सम क्या होगा। आइए सबसे पहले 7 × 3 = 10 = 11, 1 = 12, ये 3 से कट रहा है, 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, और 2 = 17, 3 × 7 = 21, 2 = 23, 3 × 7 = 27, 2 × 29, 3 × 7 = 21, कितना हो गया, और ये कितना से कट रहा है, 17 से कटेगा क्या, 70 = 51, और फिर 70 × 68, हाँ 3 गुना 17 गुना 70 = 51, 70 × 68 341 आ गया। 341 को क्या लिख सकते हैं, 31 × 11, 3 × 17 × 11 × 31, सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, 31, इसके डिजिट का सम कितना है, 4। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। 6 हो गया, 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि पी के इनकम का 20%, क्यू के इनकम का 10% है। क्वेश्चन नंबर 7 में पी का 20% है, क्यू का 10%, मतलब पी बाई क्यू कितना हो गया है, 1/2। यहाँ तक तो ठीक है। फिर क्यू के इनकम का 10% जो है आर के इनकम का 20% है, ये भी दिया है, क्यू का 10% आर का 20%, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्यू बाई आर कितना आ गया, 2/1, मतलब आर एंड पी दोनों क्या है, सेम है। अगर आर का इनकम 13,000 है, देखिए वैसे समझिए पी क्यू आर कैसे हो गया, पी का 1 है तो क्यू का 2 है, क्यू का 2 है तो आर का 1 है। अगर आर का इनकम मतलब इस एक का वैल्यू है 13,000, तो हमें इन तीनों का जोड़ के बताना है, तीनों का जोड़ के 4 है, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 52,000, 13,000 था तो 52,000। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, कोई समस्या नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, 8 आपका एवरेज का है कि एवरेज वेट 13 स्टूडेंट का 60 किलोग्राम है, 2 स्टूडेंट आया है, एक का 42 और एक का 48 kg, तो बताना है 15 लोगों का एवरेज क्या होगा। बहुत ही आसान है, 13 का एवरेज कितना है, 60, एक आया जिसका है 42, जो दूसरा आया है उसका क्या है, 48, एवरेज निकाल लीजिए। मान लेते हैं 60 है, लेकिन कुछ डेविएशन आ रहा है, कैसे, पहले वाले के कारण 18 कम है, दूसरे वाले के कारण 20 कम है, 20 नहीं 12 कम है ना, तो टोटल मिलकर कितना कम हो गया, 30 कम हो गया, और 30 सब में बटेगा, तो 13 और 2 = 15 लोग हो गया, तो 60 में से 15 गया, मतलब 2 गया 58, 58 का मतलब सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक सम जो है 2.89 टाइम्स हो जाता है 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो ए जो है ये हो गया है 2.89 टाइम्स पी का, है ना, 2 साल में, तो पी इंटू 1 + R/100 का पावर 2, पी से पी गया, 1 + R/100 का वैल्यू कितना हो गया, 1.7, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70, तो 70% आ रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बहुत ही आसान से है। कॉस्ट ऑफ आइटम में ए का जो प्राइस है वो 40% ज़्यादा है बी से, और बी जो है वह 25% कम है सी से, ए जो है बी से कितना ज़्यादा है, 40%, मतलब ए बाई बी 7/5 हो गया। बी और सी का क्या सीन है, बी जो है 25% कम है सी से, मतलब अगर सी 4 है तो बी का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अभी आइए ए
बी सी लिख लेते हैं। ये 7 है तो ये 5 है, ये 3 है तो ये 4 है, तो कवर करने के लिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 लिख लिया, तो ये 21 हो गया, ये 15 हो गया, और ये क्या हो गया, 20 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या बोल रहे हैं कि अभी ए के कॉस्ट को 20% से डिक्रीज किया गया है और बी और सी के कॉस्ट को 24% और 33% से इंक्रीज किया गया है। तो फिर बोल रहा है कि न्यू कॉस्ट ऑफ ए बी सी जो है वो 24% कम है इनिशियल कॉस्ट ऑफ टू बी एंड सी के। आइए देखिए, ये तो पहले का कॉस्ट हो गया। नया कॉस्ट में क्या बोला है कि ए के कॉस्ट को 20% से कम किया गया है, तो 21 × 20% से कम का मतलब हो गया 4/500 गुना कर लिया गया। और बी का कॉस्ट 24% से इंक्रीज हुआ है, बी 15 है, 24% का मतलब हो गया, इसको 124/100 से गुना कर लिया गया। और सी के कॉस्ट को 33% से इंक्रीज किया गया है, 33% का मतलब कितना होता है, ऊपर 133 और नीचे 100, इतना हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए, ए बी और सी का नया कॉस्ट जो है टू बी एंड सी के इनिशियल कॉस्ट से 24% कम है। तो आइए देखिए, पहला बोल रहा है तो टू बी प्लस सी का कॉस्ट कितना आ गया, 30 और 20 या 50 आ गया है। फिर बोल रहा है इससे 24% कम, तो देखिए 50 से 24% कम का मतलब हो गया कि इसका 24% 50 का कितना होगा, पहले ये बता लीजिए। 24% अगर हम निकालने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 50 से 12 कम का मतलब हो गया कितना, 38। अब ये बोल रहा है कि ये तीनों को जोड़ के 38 आएगा। देखिए 38 38 तो कुछ आने से रहा है ना, जैसे अगर आप करें इसको सिंप्लीफाई, तो 5 3 15 यानी 5 20 100 और 20 25 100, ये वैल्यू कितना आ रहा है देखो, तो यहीं पे जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपका 5 दूना 10 22 22 नहीं, 5 दूना 10 3 13 33 आ गया, 5 6 30 और 0.3 26.6 वहाँ से आ गया। हमें 38 लाना है ना, और यहाँ से कितना आ गया, जैसे देखिए एक काटेंगे तो 6.2 आ जाएगा ना, तो 6.2 का मतलब कितना हो गया, 18.6 ये वैल्यू आ रहा है। और ये कितना आ जाएगा, 84 को 5 से करेंगे तो 16.8 आ गया। अभी इन तीनों को जोड़िए कितना है, ये तो 38 से ज़्यादा आ रहा है, तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन है कि न्यू कॉस्ट ऑफ ए एंड टू बी जो है 33.1/3% ज़्यादा है इनिशियल कॉस्ट ऑफ ए एंड बी से। इनिशियल कॉस्ट ऑफ ए एंड बी कितना है, 11 15 और 21 36, और न्यू कॉस्ट ऑफ ए एंड टू बी, न्यू कॉस्ट ऑफ ए एंड टू बी कितना है क्या, देखिए ये 16.8 है, इसमें 18.6 का डबल कितना हो जाएगा, 39.2 ऐड करेंगे तो 8 2 10 और 9 6 15 1 16 3 1 4 1 5 56 हो गया। 33.1/3% ज़्यादा बोला है, ये कैसे, मतलब कि 36 को 4/3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 12, ये तो 48 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 56 आ रहा है, इसका मतलब दूसरा कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोनों कथन गलत है, नीदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से देखिए। 11 में बोलता है एक सर्कुलर पाथ है जो 800 मीटर लंबी है, ये 800 मीटर लंबी है सर्कुलर पाथ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से अरुण एंड बीना ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए इधर अरुण जा रहा है तो इधर बीना जा रही है, पहली बार कहीं मिलते हैं, उसके बाद बीना जो है मान लीजिए पहली बार यहाँ पे मिले, तो बीना अभी इधर जाएगी अरुण इधर जाएगा, बीना को फिर स्टार्टिंग पॉइंट में आने में 160/3 सेकेंड लगता है, अरुण को फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में आने में 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड लगता है। तो हमें बताना है कि स्पीड ऑफ बीना 6 मीटर प्रति सेकेंड है और अरुण एंड बीना के स्पीड का रेशियो 2:3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मान लीजिए बीना को यहाँ आने में जो है, बीना का जो स्पीड है, स्पीड बीना का मान लेते हैं V1, अरुण का स्पीड क्या है, V2, और मिलने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में इसे टाइम लगा है T1 बीना को, और अरुण को यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा है T2। तो भैया ये जो V1/V2 है ना, ये T2/T1 हो जाएगा स्क्वायर रूट में। अभी यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए T2 मतलब V1 किसके लिए है, बीना के लिए, तो टाइम लिखेंगे अरुण के लिए, अरुण के लिए टाइम कितना है 120,
बटा बिना के लिए टाइम था 160/3, गया गया 4 तिहाई 12 चर्चों का 16, ये कितना आ गया 3/2। V1 किसका था? बीना। तो बीना एंड अरुण का रेशियो 3:2 है, ये दिया है दूसरा में, तो ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए, V1 जो है इसको हम 3x मान लेते हैं और V2 को मान लेते हैं 2x, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, अगर बीना का स्पीड 3x है तो 160/3 सेकेंड में कितना दूर जाएगी? बोलेंगे कि 160x मीटर जाएगी। अगर V2 अरुण का स्पीड 2x है तो 120 सेकेंड में कितना जाएगा? 240x जाएगा। क्या ये दोनों मिलके पूरा डिस्टेंस हो जाएगा? बोलेंगे कि हो तो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 400x, और इसका वैल्यू है 800 मीटर, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 2। अगर एक्स का वैल्यू 2 हो गया तो V1 का वैल्यू 6 हो गया, V2 का वैल्यू 4 हो गया, मतलब बीना का स्पीड 6 मीटर प्रति सेकेंड है और अरुण का स्पीड क्या है? 4 मीटर प्रति सेकेंड है। अभी बात यह है कि क्या आपको ये फॉर्मूला पता है या नहीं? पता है तो ठीक बात है, नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि आपको नहीं पता है। आप पता है तो भी बोलिए, फिर हम बताएंगे कि ये कैसे आया, ठीक है? या फिर आप डिराइव करने का कोशिश कीजिए, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसको बताने में कुछ ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, 1 मिनट का भी काम नहीं है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या है? 12 में बोलता है कि एक बस जो है वो दौड़ना स्टार्ट किया, इनिशियल स्पीड उसका 6 मीटर प्रति सेकंड है, हर एक घंटे वो कुछ बढ़ता है, सर्टेन अमाउंट से बढ़ता है, और 14 घंटे में 630 किलोमीटर जाता है, तो हमें बताना है कितना बढ़ रहा है। 12, पहले में 6 है, दूसरे में मान ली घंटे में 6+x हो गया, तीसरे घंटे में 6+2x हो जाएगा, 14 घंटे की बात हो रही है, तो 14वें घंटे में 6+13x हो जाएगा, और ये मिल के कितना हो गया है बताइए? 630। अच्छा, ये 13x क्यों हुआ? देखिए, पहले घंटे में तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, दूसरे में 1x, तीसरे में 2x, तो 14वें में 1 कम 1 13x होगा। ये एक एपी है, इसका जब हम सम निकालने जाएंगे तो क्या होगा? n/2 होता है ना, n/2 a+l, n मतलब कितना संख्या है? 14, तो 14/2, पहला 6 है और लास्ट वाला क्या है? 6+13x, वैल्यू है 630, 7 बार में, और यहाँ से 90 बार में, तो 13x का वैल्यू कितना आ गया? 12 का टर्म होगा तो 78, x का वैल्यू आ गया है 6, हर एक घंटे 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आवर से ये बढ़ेगा, ठीक है? आगे चलिए, बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन में देखेंगे तो जो दिया हुआ है 3.9 क्यूब है पहला, दूसरा दिया है 9 × 1.3 × 1.4। अच्छा देखिए, एक और है 1.1 का क्यूब, फिर जो है जो दिया हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3.9 का स्क्वायर × 1.1 + 3 × 3.9 × 1.1 का स्क्वायर। ये आपको दिख रहा है क्या हो गया? ए प्लस बी होल क्यूब। 3.9 में 1.1 को ऐड करके क्यूब कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब हो गया, आ गया 125, कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 1.23 का स्क्वायर + 0.77 बाहर है, फिर 0.77 है प्लस है 0.6 × 4.1। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे ये हो गया 1.23 का स्क्वायर + 0.77 का स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना 2 × 0.3, 0.3 × 4.1 1.23 होगा, 2 × 0.2 × 1.23 × 0.77, ये आ गया आपका 1.23 + 0.77 का स्क्वायर, ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर जो कि है 4। रेशियो दिया है तो 125/4 कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 1.25, 31.25 आ रहा है, मतलब ये सही है। रीजन में दिया है कि एक फॉर्मूला यूज हुआ ए प्लस बी होल क्यूब का, दूसरा हुआ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का, जो कि सही है। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के पास। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक कार का प्राइस है 45 पे 3 4 0, माफ कीजिए, प्राइस है 45 पे 1 2 3 4 0, और कार का डिप्रिसिएशन होता है 40% हर एक साल, तो बताना है सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगा? कोई बात नहीं, 45 1 2 3 4, 40% डिक्रीमेंट, मतलब 5 का माल 3 हो जा रहा है, तो पहले साल 3/500 गुना करेंगे, दूसरे साल भी 3/500 करेंगे, तो
25 से काटिए, 25 एक बार में, 200, 25 अट्ठे 200 हो गया ना, 25 अट्ठे 200। हाँ तो यहाँ तक हो गया। फिर 1 2 3 0, 1 2 3, 98, 52 से, 62 से, माफ कीजिएगा, 162 पे 3 0, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। तो 14 कुछ खास टफ तो था नहीं, 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि ये क्वेश्चन दिया है जिसमें 1 2 3 करके स्टेटमेंट दिया है और हमें बताना है कि ए माइनस सी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। पहला दिया है ए प्लस बी बाई सी का वैल्यू है 8/3, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है, 2772। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 11 यूनिट, जिसका वैल्यू है 27/72। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 2 22, 11 5 55, 11 2 22 ये हो गया। यहाँ से सी का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, सी का वैल्यू कितना है, 252 + 75, 756। हाँ और ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया है, 8 × कितना करेंगे, 8 × 16, 25 × 200, तो 201 इतना आ गया। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अभी हमें ए माइनस सी निकालने के लिए ए का वैल्यू चाहिए। ए का वैल्यू देखिए, दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है ये दिया है कि ए प्लस ए बाई सी का वैल्यू 2/5। यहाँ से देखेंगे 5 ए का वैल्यू हो गया 2 ए जोड़ 2 सी, यहाँ से 3 ए का वैल्यू 2 सी हो गया। इसका मतलब सी का वैल्यू पता है तो ए का वैल्यू आ जाएगा, मतलब पहले के साथ अगर हमने दूसरा यूज किया तो काम हो जाएगा। अगर हम तीसरा स्टेटमेंट देखें तो ये दिया है ए बाई बी प्लस सी का वैल्यू है 34/43, यहाँ से देखेंगे तो 43 ए का वैल्यू कितना है, 34 बी प्लस 34 सी। एक बात बताइए, यहाँ से भी अपने को हो जाएगा, बोलेंगे कि कैसे हो जाएगा भैया बताइए, तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से कितना रहा है, देखो हमें पता चल गया है ए प्लस बी का वैल्यू इतना है और सी का वैल्यू इतना है, तो हम बी को ए के टर्म में लिख सकते हैं ना, यहाँ से लिखेंगे तो बी आ जाएगा 2016 - a, और सी का वैल्यू पता है, तो फिर यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा, बोले कि बात तो सही है। या फिर सीधे का सीधे अगर आप ए देखेंगे तो इसको ऐसा लिख लेंगे 34 × b + c, बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2772 - e, सीधे दिख रहा है आपको ए का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही ए का वैल्यू आया हम ए माइनस सी निकाल लेंगे, इसका मतलब पहले के साथ या तो दूसरा यूज करेंगे या पहले के साथ या तो तीसरा यूज करेंगे, तो अपना ए माइनस सी आ जाएगा, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट का यूज करना जरूरी है क्योंकि बाकी किसी से वैल्यू नहीं आ रहा है, केवल रेशियो टाइप का रिलेशन आ रहा है, ये बात ध्यान रखें। बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में दिया है कि एक आर्टिकल को एक्स प्रतिशत मार्कअप किया गया है कॉस्ट प्राइस से, फिर जैसे मार्कअप कितना किया गया है एक्स प्रतिशत से, और डिस्काउंट कितना दिया गया है 1/2%, का प्रॉफिट है आपका 21/2% का। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितना हो गया, बोलेंगे 10.5, तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए 110.5, ये तो पता चल गया। अभी ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। ऑप्शन में सबसे पहले छोटा यूज करते हैं, जैसे एक है 20% वाला, अगर एक्स का वैल्यू 20% हुआ दोस्त, तो बताइए मार्कअप कितना हो जाएगा या मार्क प्राइस हो जाएगा, 20% इंक्रीमेंट करेंगे तो 120, अभी सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 हो गया है, इसका 10% छूट देगा, मतलब कि 10 का माल 9 में तो 108 में बिक रहा है, लेकिन 110.5 में बिकता तो सही था क्योंकि हमें तो चाहिए 110.5, लेकिन गड़बड़ हो गया। दूसरा जो हम ये ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं 30% वाला, अगर एक्स का वैल्यू हमने 30% लिया तो मार्क प्राइस हो जाएगा 130, डिस्काउंट हो जाएगा 15%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 130 का 15% का मतलब होता है 20 और 17, ऊपर 17 नीचे 20, ये हो गया। ये कितनी बार हो गया, गया गया 6.5, 6.5 को 17 से करेंगे, 17 × 5 = 85, और 102 और 8 = 110, 110.5 आ गया, इसका मतलब 30% सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि 1 से 100 तक हर एक प्राइम नंबर को आप कंसीडर कीजिए और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, पहला दिया है कि अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन दैट इज 1 > ए मल्टीपल ऑफ 5 हैज यूनिट डिजिट 3 और 6, मतलब 5 के मल्टीपल से 1 ज्यादा हुआ तो इसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा और 6 होगा। गड़बड़ है कैसे, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है और इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1, इसका मतलब ये बोलना हो गया गलत।
दूसरा स्टेटमेंट है वो देखिए, ये बोलता है कि सम ऑफ ऑल नंबर विच आर वन ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ 5 इज 315। 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा होना चाहिए ना, प्राइम होना चाहिए। सबसे पहले 11 हो गया, फिर 16 होगा नहीं, 21 होगा नहीं, 26 होगा नहीं, 31 होगा होगा, फिर 41 होगा, और क्या हो जाएगा, 51 नहीं होगा, 61 होगा, 71 होगा, 81 नहीं होगा, 91 नहीं होगा। ये सबको ऐड करना है, कर लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 13 17 20 21, 215 आ रहा है। हाँ सही है। तीसरा क्या दिया है कि सम ऑफ ऑल नंबर विच आर वन ग्रेटर देन या मल्टीपल ऑफ 5 एंड ऑल्सो ए ग्रेटर देन अ मल्टीपल ऑफ 6 इज 92। तो 5 एंड 6 दोनों के मल्टीपल से एक ज्यादा है, एलटीएम ऑफ 5 एंड 6 प्लस 1, मतलब तो क्या है, 30 का मल्टीपल से एक ज्यादा होना चाहिए। तो एक 31 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कितना, 61। यही दोनों है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 92। तो 92 आ रहा है, ये भी सही है, मतलब बी एंड सी सही है, ए हो गया गलत। चलेंगे 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि 15³ - 12³ - 27 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, 15³ कितना होता है, 225 को 15 से गुना करेंगे तो 15 5 75, 30 7 37, और 30 3 33, 33 75 हो गया। इसमें से 1728 को माइनस करेंगे, फिर 27 को माइनस करेंगे, है ना। तो 33 75 में से 1755 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 1620 ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 18 देखेंगे, अच्छा ये 18 ही था, 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 75% ऑफ टोटल आर्टिकल्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी बाकी को 20% के लॉस पे बेच दिया गया। एक में 20% प्रॉफिट है, दूसरे में 20% लॉस है, 75 और 25 का रेशियो है जो बेचा है, तो 3 और 1 का रेशियो हो गया। टोटल जो होगा एवरेज होगा कितना आ रहा है, 60 - 20/4, तो 20/4 5 40/4 हो गया ना, 10% का प्रॉफिट होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये सब बस एवरेज का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, आगे चलिए। अच्छा एवरेज से आसानी है, इसमें अगर आप एलिगेशन लगाने जाएंगे तो थोड़ा और माथापच्ची है। एलिगेशन तो एवरेज का ही एक तरीका है ना, कुछ नया थोड़ी ना है। और पीछे लगता है कि कोई चोर हो रहा है क्या, कुत्ता हल्ला कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये बोल रहा है कि मंथली इनकम ऑफ ए बी एंड सी जो है, ए बी एंड सी का मंथली इनकम है 102 720। ए बी एंड सी ए कितना प्रतिशत सेव करता है, 20% सेव करता है, बी 10% सेव करता है, एंड सी जो है 25% सेव करता है। तो मतलब एक्सपेंडिचर करेंगे तो ए जो है कितना प्रतिशत, 80% खर्चा कर दिया, ए 90% खर्चा कर दिया, ए 75% खर्चा किया है। अभी इन सब के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है ए बी एंड सी का 3:4:5, तो बताइए इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा। ये 80% का वैल्यू है ना, 80% का वैल्यू 3 है, तो 80% का मतलब कितना होता है, 4/5, इसका मतलब 9/10, इसका मतलब 3/4, यही हो गया। तो इनकम निकालने के लिए इसको 5/3 4 से गुना कर देंगे, और इसको 4 को 10/9 से गुना कर देंगे, और 5 को 4/3 से गुना कर देंगे, आ गया इनकम। तो हमें बताना है कि मंथली इनकम ऑफ ए एंड सी कितना होगा। देखिए 4 9 36, 36 से गुना कर दीजिए, पहले देखिए क्या आ रहा है, ये आ गया 15/4, ये आ गया है 40/9, और ये आ गया है 20/3। कुछ कटेगा, पहले 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 8 40, और 5 20 5 5 20, माफ कीजिएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 36 से गुना कर लेते हैं, 36 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 9 3 27 हो जाएगा, 8 4 32 हो जाएगा, और ये कितना आ गया, 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये इनकम का रेशियो आ गया। अभी हमें ए एंड सी के मंथली इनकम का सम निकालना है। पहले देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, टोटल इनकम 8 2 10 7 17 4 3 7 2 9 1 10, 107। 107 का वैल्यू दिया है, 102 720, और हमें निकालना है 59 का वैल्यू, यही है ना, क्योंकि ए एंड माफ कीजिएगा ए एंड सी का निकालना है। ए एंड सी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15 4 2 6 1 7, 75 का निकालना है। तो
कितना आ जाएगा? 1027/107 गुना 75, और ये कटेगा। देखिए भाग दे देखिए, देख लीजिए जो आंसर आ रहा है, हम आंसर लिख दे रहे हैं 72/3/0, और ये सही आंसर है। बाकी आप थोड़ा कैलकुलेशन वैलकुलेशन कर लीजिए। तो इसी के साथ जो इस पेपर शिफ्ट वन का सोल्यूशन समाप्त हुआ। आप खुद बताइए कि ये जो 17 तारीख और 18 तारीख के शिफ्ट में कितना डिफिकल्टी का डिफरेंस है। बाकी आपको पता चला कि नॉर्मलाइजेशन में किसको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में शिफ्ट टू के सोल्यूशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।